अरे नमस्कार मास्टर जी, क्या नमस्कार जी। हाल है? ठीक है, वो आपसे ना कुछ काम था। दुकान के अंदर आ जाओ। ठीक। हाँ ऋतिक, बता क्या बात है। अरे मास्टर जी, वो ना बहन की सगाई है, तो कुछ ना पैसों की जरूरत थी। काम धंधा भी नहीं चल रहा, और जब सगाई करने वाले आएंगे तो खाने पीने का, रस्मों का, सबका खर्चा होगा। तो मुझे ना 30,000 रुपये की जरूरत थी। अगर आपके पास हो तो मुझे दे दो। ऋतिक देख, मैं खुद बीमार था और एक हफ्ते में आज दुकान पर आया हूँ, और काम हमारा भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो मैं तुझे पैसा तो नहीं दे पाऊँगा। अच्छा, या तो आप किसी ऐसे आदमी को जानते हो जो मुझे ब्याज पे पैसे दे दे। ऐसा बंदा, मैं तो ऐसा क्यों नहीं कर लेता। मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कर और ऑनलाइन लोन मिलता है वहाँ से ले ले। ऑनलाइन ऑनलाइन लोन कैसे मिल जाएगा मुझे? अरे हाँ, बहुत सारी ऐप चल रही है, हर कोई ऐप है ना लोन देता आजकल। तो प्ले ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कैसे मिलेगा ये लोन? स्टोर में जा और बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे वो लोन ही लोन, उस पर चला जा, उसको डाउनलोड कर और वो अपना आप कॉल कर लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि इन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड के लिए लोन की जरूरत है, तो खुद कॉल कर लेंगे तुझे। अल्लाह मास्टर जी, इन सब चीज़ों का मुझे तो पता नहीं, आप ही कर दो ना। यार, तू भी यार कुछ सीखेगा नहीं सीखेगा। ये ले, अभी थोड़ी देर में ना एप्लीकेशन डाउनलोड होती है, उनकी कॉल आ जाएगी। ठीक है, मैं अभी कर लेता हूँ। लो, फोन ही आ गया। हेलो, लोन ही लोन में आपका स्वागत है सर। क्या आपने भी अभी अभी हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करी है और आपको भी लोन की आवश्यकता है? हाँ जी, हाँ जी तो सर आपको कितने तक का लोन चाहिए? सर, मुझे ना 30,000 रुपये लोन चाहिए। 30,000 रुपये तक का लोन चाहिए आपको? तो सर आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड इसी नंबर पे भेज दीजिए। तो कब तक मुझे मिल जाएगा लोन? पूरे प्रोसेस को होने के लिए आधे से 1 घंटे का टाइम लगेगा। जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं, हम अपना काम चालू ठीक कर है सर, देंगे। मैं अभी इसी नंबर पे भेज रहा हूँ आपको, आधार कार्ड और पैन कार्ड। ठीक है सर। ठीक, उन्होंने बोला कि एक बार डॉक्यूमेंट भेज दो, तो मास्टर जी आप भेज दो ना एक बार, मुझे तो समझ में आएगा नहीं है। अरे आधार कार्ड और पैन कार्ड का फोटो खींच के इसी नंबर पे सेंड कर दें। कोई बात नहीं मास्टर जी, आपको तो पता ही, आप कर दोगे। इसका लॉक खोलो, नवा आधार कार्ड पैन कार्ड है ना? ये लो। आधार कार्ड दी। ये लो भेज दिए, अब उनके पास कॉल आ जाएगा इंक्वायरी होने के बाद। लो, फोन भी आ गया। हेलो सर, लोन ही लोन में आपका स्वागत है। आपने जो लोन के लिए अप्लाई किया था वो लोन आपका अप्रूव हो चुका है सर। आपकी जो धनराशि है आधे घंटे में आपके बैंक खाते में पहुंच जाएगी। ठीक है सर, धन्यवाद। क्या बात है मास्टर जी, ये तो कह रहे हैं आधे घंटे में पैसे आ जाएंगे। आपने तो बहुत अच्छी एप्लीकेशन बताई। अगर ऐसी एप्लीकेशन से लोन मिलने लग गए ना, तो लोगों को बाहर किसी से भी कर्जा लेने की जरूरत नहीं है। जितने चाहो उतने पैसे कंपनी वाले से ले लो। तो देखो, मैंने तो कभी लिए नहीं, पहली बार आपको बताया मैंने। आप देखो आपका तजुर्बा कैसा रहता है। चलो कोई नहीं। ठीक है मास्टर जी, धन्यवाद। हेलो सर, लोन ही लोन में आपका स्वागत है। सर आपने एक लोन लिया था 30,000 रुपये का सर, उसको पे करने का टाइम 10 दिन था और आज 11वां दिन हो चुका है सर, उसको पे कर दीजिए प्लीज। अरे सर, ये कैसी बात कर रहे हो आप? उसका टाइम तो 3 महीने का था ना। नहीं सर, शायद आपने टर्म एंड कंडीशंस ढंग से नहीं पढ़ी हैं सर। उसका पे करने का टाइम सिर्फ 10 दिन का था और सर आज पेनल्टी लगने के बाद उसका फाइन हो चुका है 50,000 रुपये। अरे सर, ये कैसी बात कर रहे हो? 50,000 रुपये कैसे भरूंगा मैं?
सर ये सब मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ठीक है? आपको ये फाइन तो भरना पड़ेगा, फाइन लगेगा और आपको पे भी करना पड़ेगा। और सर अगर आप इसे नहीं भर पाते हो ना तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। चाचा का फोन। हेलो चाचा, राम राम। अरे हो रही है, राम राम। ये बता, तने लोन ले रखा है कि? हाँ चाचा, लोन लिया था मैंने। जब तने लोन भरना ही नहीं था तो मेरा नंबर क्यों देता? उनने फोन कर करके ना मेरा दिमाग पाट रखा है। तुम करके नहीं खा सकते के? हैं? ये लोन के चक्कर में पड़ गए, मेरा नंबर देने की जरूरत नहीं है। जिया जी का फोन। हाँ भाई रिश्तेदार। नमस्ते जिया जी। अरे नमस्ते, हो रही है तेरी? तू पागल वागल है, तू लोन ले रहा तू है? हाँ जिया जी, लोन ले रखा। अरे ले तो रखा, मेरा नंबर क्यों दे रखा उसने? तू पागल है, तू एक बात बता, तने मेरी माँ का नंबर दे रखा, मेरे बाप का नंबर दे रखा, और तो छोड़ तेरी बहन का नंबर दे रखा, 36 फोन आ लिया उस पे, पागल हो रहे रात रात फोन आने लग रहे। हेलो, हाँ मौसी, राम राम। राम राम, हो रही है? 3,000 का लोन ले रखा है। हाँ मौसी। फिर तुम भरते क्यों नहीं? तुम तो बड़े कमीने इंसान हो, लोन ले रखा है और नंबर भी हमारा दे रखा है। वो तो शुगर टाइम से पहले हमें तुम्हारी असलियत का पता चल गया और हम ये रिश्ता कैंसिल करते हैं। हेलो हेलो, अरे देख पागल है क्या? अगर तूने किसी कंपनी से लोन लिया है तो उसका भरता क्यों नहीं भाई? वो मेरे पास फोन कर करके मुझे पागल कर रहे हैं कि लोन भर दो, लोन भर दो। पता नहीं यार कैसा गजब आदमी है तू भी। लोन दे दे भाई उनका, भर दे उनका। मैंने लोन क्या ले लिया, इन्होंने तो हर जगह बता दिया। मेरी बहन का रिश्ता भी टूट गया और मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अपना मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। अरे भैया, वो आपको पड़ोसी नहीं था ऋतिक भैया? उसने ना सुसाइड कर लिया। ऋतिक ने? पर क्यों? हेलो हेलो सर, मैं लोनी लोन से जतिन कुमार बात कर रहा हूँ। हाँ जी बताइए। सर आपके कोई जान पहचान में ऋतिक नाम का इंसान है क्या? सर उसने हमसे लोन लिया था 30,000 रुपए का, उन्होंने पे नहीं किया है, उनको कह दीजिए जरा हमारा लोन कर दें। वो शायद आपका लोन अब कभी पे नहीं कर पाएंगे। ऐसे कैसे पे नहीं कर पाएगा सर? उन्होंने लोन लिया है, उनको पे तो करना ही पड़ेगा। अगर उन्होंने पे नहीं करा ना तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है और सर हम उन्हें ना इतना बदनाम कर देंगे कि वो कहीं पे भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मुंह दिखाने की बात करते हैं तो साहब जिंदगी में किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। क्या एप्लीकेशन से लोन लेना ठीक है? क्या अगर हमने लोन ले लिया किसी एप्लीकेशन से तो हमने गलती की है? किसी भी एप्लीकेशन से लोन लेना क्या हमारी सबसे बड़ी भूल होती है? अगर हमने लोन ले भी लिया तो क्या हमें इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए? हमें समाज में बदनाम कर देंगे वो, ये तो गलत है ना? आप कमेंट करके बताइए, ये लोन देने वाली ऐप हैं ये सही करती हैं गलत करती हैं? आपकी राय की हमें बहुत ज़्यादा जरूरत है। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।